नमस्कार बच्चों, आज पांचवी कक्षा के गणित की क्लास में हम प्रश्नावली 4.3 का अभ्यास करेंगे। प्रश्नावली 4.3 में बहुत ही सरल प्रकार के प्रश्न हैं, बहुत ही सरल प्रकार के अभ्यास हैं। ये कह रही है 10 के आधार पर विचलन लिखिए। तो जब हमने वैदिक गणित पढ़ना सीखा था तब हमने ये आधार क्या होता है और विचलन क्या होता है इन दोनों शब्दों को शायद सीख लिया होगा। फिर भी एक बार आपका रिवीजन करने के लिए मैं आपको बता दूं आधार क्या होता है और विचलन क्या होता है, किसे कहते हैं ना। आधार के लिए देखिए, आपको याद आएगा 0, 00 या फिर 000, यानी कि 0 और 20 और 30, या फिर आगे भी दे सकते हैं 40 इत्यादि पर समाप्त होने वाली संख्याएं वैदिक गणित में आधार होती हैं, यानी कि 10। जैसे एग्जांपल लिखा है मैंने, 10 आधार संख्या है, 100 आधार संख्या है, 1000 आधार संख्या है। तो आधार का मतलब हम समझ गए होंगे, 10, 100, 1000 ये आधार संख्याएं होती है। और क्यों होती है? क्योंकि ये 0 पर समाप्त होती है, 1 0 पर, 2 0 पर अथवा 3 0 पर या फिर अधिक शून्यों पर भी समाप्त होने वाली। लेकिन उसका इकाई का जो सबसे बड़ा जो अंक है वो 1 होना चाहिए। ये देखिए 10, 100, 1000 इकाई दहाई सैकड़ा कितने भी शून्य हो जाओ, लेकिन जो सबसे बड़ा वाला अंक है वो 1 होना चाहिए। तो ये होता है आधार, यानी कि सीधा सिंपल कह सकते हैं कि आधार कौन कौन से होते हैं। 10 आधार होता है, 100 आधार होता है, 1000 आधार होता है। अभी विचलन क्या होता है? ये विचलन जो नाम आया आपने ये भी सीखा हुआ होगा, विचलन यानी कि आधार से किसी संख्या का कम या अधिक होना विचलन कहलाता है। कम होने पर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा विचलन, और अधिक होने पर विचलन हो जाएगा प्लस का, यानी कि कुछ संख्या ऐसी होगी जो उस आधार संख्या से कम या अधिक होगी। तो कम होने पर उस संख्या के साथ में माइनस का चिन्ह लगा देंगे और अधिक होने पर उस संख्या के साथ में प्लस का चिन्ह लगा देंगे, है ना। जैसे ये 14 को देखिए, अभी अभ्यास प्रश्नों पे आते हैं। पहला प्रश्न है 14 का विचलन। तो 14 का विचलन क्या होता है? आधार 10 के हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि सभी 10 के निकटतम वाली संख्याएं हैं, 100 तो इनसे बहुत दूर रह जाता है। तो इसलिए प्रश्न यही बना है कि 10 के आधार पर विचलन लिखिए। 14 का विचलन, तो हमको ये देखना है 14 जो है वो 10 से कितना कम या अधिक है। तो कम तो है नहीं, हमको दिखाई दे रहा है अधिक है, तो कितना अधिक है? तो सीधा सीधा हम अंगुलियों पे भी गिन सकते हैं, मौखिक भी कर सकते हैं, ओरल भी हो जाना चाहिए। 10 से 14 जो है वो 4 अधिक है, है ना, 11, 12, 13, 14 4 अधिक है ना। तो इसलिए 14 का विचलन क्या हो जाएगा? 10 के आधार के हिसाब से 4। लेकिन हम केवल 4 नहीं लिख करके प्लस 4 लिखेंगे। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि ये 10 से 4 अधिक है, अधिक होने के कारण प्लस का 4 है। अभी यहाँ पे देखिए 11 का विचलन, अब समझ में आ गया होगा आपको, बहुत सरल प्रश्नावली है। तो 11 का विचलन क्या होगा? ये 10 से 1 अधिक है, तो 1 तो हो गया इसका विचलन, और वो भी प्लस वाला। 8 का विचलन, तो आधार 10 के हिसाब से 8 का विचलन क्या है? यानी ये संख्या जो 8 है वो 10 से कितनी कम या अधिक है? तो अधिक तो है नहीं, कम है। कितनी अधिक है? 8 के बाद में 9 आता है और फिर आता है नंबर 10 का, यानी कि 2 कम है। तो कम होने के कारण से माइनस, और फिर 2 कम है इसलिए 2। तो 8 का विचलन क्या हो गया? माइनस 2। 9 का विचलन बहुत सरल है, माइनस 1, क्योंकि 10 में से 1 कम है संख्या 9। 13, 10 से 3 अधिक है या 3 अंक बड़ी है ये संख्या, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। 19, 9 अंक बड़ी होने के कारण प्लस का 9, इसका विचलन हो जाएगा। 7 का विचलन क्या हो जाएगा? माइनस का 3। और 6 का विचलन क्या हो जाएगा? माइनस 4। तो विचलन किसे कहते हैं? विचलन निकालते कैसे हैं?
आधार किसे कहते हैं, ये इस प्रश्नावली चार तीन में थे और बहुत ही सरल, बहुत ही कम समय में पूरी होने वाली प्रश्नावली। मैं सोचता हूँ अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी आपको। हमको अपने वर्क में, नोटबुक में, अभ्यास पुस्तिका में इसको करना है और सुंदर लेखन में करना है। तो आज के लिए प्रश्नावली 4.3, धन्यवाद।